पिटी जापी दिल्ली वहाँ शुरू हुआ एलबीजी वहीं शुरू हुई थी। उनसे तो खबर लेके मैंने खोल के दौरा बनाए तब ही नोएडा बॉम्बे और जगह दो तीन जगह इस बार कब्जा बन गया। कई 40 साल गई है 40 हम लोग गेट तो नहीं बढ़ा कम हो गया पहले से लेकिन चल रही है बराबर। सबसे पहले राम के लक्ष्मण के और फिर रावण के और मेघनाथ के सबके बनाते हैं रावण और मेघनाथ में। अच्छा उसमें कपड़े बनाते हैं उसको संवारते हैं बड़ा अच्छा लगता है उसमें। तो सारे स्वरूप होते हैं सभी के बनाते हैं हम लोग। अच्छा और मेरे फादर ये 1968 में दिल्ली गए थे मिस्टर राम सिंह चित्रकार के साथ में और तब से एक कंटिन्यू वर्क चला रहा। हमें भी एक उम्मीद लगी रहती है कि हर दफ़ा इस वक्त तीसरी पीढ़ी हमारी जो है वो यही काम कर रही है। पहले से ऑर्डर ज़्यादा है इस वक्त वहाँ पर बॉम्बे तक के काम है मलाड के नोएडा में जा काम चल रहा है। शिव परिवार की रामलीला हो रही है नोएडा में वो भी वहाँ भी हमारी ट्रेस जा रही है और दिल्ली में तो कई जगह लगभग सभी जगह जा रही है। 80% ट्रेस हमारे यहाँ से जा रही है इस वक्त। क्या उसके स्वभाव के अनुसार ही किया गया था। अब मालूम है राम जी हैं तो जाहिर सी बात है वो लाइट कलर कपड़े पहनेंगे। कुंभकर्ण है उनके लिए तामसी कलर चाहिए हमें डार्क कलर। रावण के लिए डार्क कलर चाहिए क्योंकि गुस्से वाले आदमी थे वो। तो इसी तरह के लिए उनकी स्वभाव के अनुसार ही हम तैयार करना पड़ता है। आज मैं भी दादाजी के साथ लगता हूँ। जब रामलीला जी रामलीला काम आता है तो मैं दादाजी के साथ लग जाता हूँ। उसमें हमारा योगदान ये रहता है कि हम जो सेटिंग मोती और गोटा हम दादाजी को करवाते हैं। लाना क्यों नहीं है उसमें मोती लगाने होते हैं सेटिंग करना होता है। अच्छा और फिर बटन्स लगाने बटन हमारे पापा जी लगाते हैं। अच्छा